सब लोग ही बोल रहे हैं शाहरुख खान काजोल की वाइब्स आ रही है वीडियो से, तो अच्छी बात है, हम लोग खुश है इफ पीपल थिंक दैट वी हैव केमिस्ट्री लाइक दैट। और आप पढ़ोगे कमेंट्स और सब यूट्यूब पे, तो यानी ऑडियंस बहुत यानी ज़्यादा ही ऑनेस्ट है आजकल। आज आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते, एंड स्पेशली रोमांटिक गानों में आप अगर ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो गाना पकड़ा जाता है। तो मैंने हमेशा ही, आप अगर मेरा म्यूज़िक सुनते हो तो आपको पता होगा कि हर रोमांटिक गाने में अपनी जान डाल दी है। इस गाने में भी मैंने बहुत दिल से लिरिक्स पे काम किया विथ वायु श्रीवास्तव, मेरे डायरेक्टर क्रिश त्रिवेदी ने भी बहुत मेहनत की है। आमना केम ऑन बोर्ड तो गाने में और यू नो चार चांद लग गए, एंड वी हैव मेड अ फुल हार्ट फेल्ट, सबसे एम्बिशियस म्यूजिक वीडियो है मेरे फिलहाल अब तक के करियर का, एंड आई एम हैप्पी, द रिस्पॉन्स इज टेरिफिक। तो ये गाना मैंने पिछले साल सुना था, व्हाट्सएप से पहुंचा ये गाना, एंड इमीडिएटली मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे टू से यस फॉर दिस सॉन्ग, बिकॉज यू नो लाइक एज अ लिसनर, मतलब वी आर लैकिंग दिस काइंड ऑफ सोलफुल मेलेडियस म्यूजिक, हम क्रेव करते, इसलिए हम अब भी पुराने गाने सुनते रहते हैं, बिकॉज वी आर लाइक इन नो बडी इज़ मेकिंग म्यूजिक विद दिस काइंड ऑफ सोल व्हिच ही मेक्स। How sweet, thank you. And I was like, I am being a part of this song. I mean, there's nothing discussing anything further above this. Like, I am part of Mohabbat. And tab se we've been discussing this. And I think recently you guys decided that we'll go ahead with it. Yeah. Yani literally 2 saal lage is cheez ko hone mein. 2021 mein dhun bani. 22 mein humne likha. Aamna ko around October, November mein bhi message da. Yani mere jo को प्रोड्यूसर है इसमें, यानी वीडियो भी मैंने ही प्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद भूषण जी सपोर्ट, बट जो ऑन सेट पूरा एग्जीक्यूट कर रहे थे हाशिम बच्चू अली जो है, उन्होंने आमना को, वो मुझे मेरे हर म्यूजिक वीडियो को उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो फर्स्ट वीडियो से वो बोल रहे आमना शरीफ को पूछे, और मैं हर बार इंस्पायर्ड ऑफ अस नोइंग इच अदर फॉर 10-12 ईयर्स, मैंने बोला नहीं यार अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बुलाएंगे, बट मुझे कभी नहीं पता था दैट शी इज़ सो लाइक शी वॉज द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ कोस्टार, एंड इतने सपोर्टिव, और यानी बहुत मुश्किल होता है जब आप खुद वीडियो करते हो एंड सब प्रोडक्शन संभाल रहे सब कुछ, यानी हर मोमेंट लाइट बना उन्होंने, यानी मैं सीरियस ऐसे देख रहा था लाइक रोमांटिक गाना थोड़ा उसमें मूड में आओ, सो शी केप्ट थिंग्स वेरी लाइट, और बहुत मुश्किल था ब्रो, यानी -9-10 डिग्रीज में साड़ी पहनना शूट करना ये सब चीज़ें, तो शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमने 2 साल से गाने को जिया है मी एंड माई टीम, तो शी केम ऑन बोर्ड एंड गेव इट हर ऑल, यानी वो होने से ही आपको वीडियो में हमारी केमिस्ट्री या रोमांस सब अच्छा लग रहा है, बिकॉज फ्रॉम हर साइड देयर वाज 100%, एंड उन्होंने देखा कि मैं 200% इस गाने में इन्वॉल्व रहा, तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनर्जीज, या बिकॉज आई थिंक सबकी एनर्जी बस यही थी, ऐसे कोई वहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ गाना सिर्फ शूट करना है, हम जा रहे, वी आर गोइंग टू लद्दाख, वी आर गोइंग टू शूट अ म्यूजिक वीडियो, बट एवरीबॉडी वाज सो इनटू द होल थिंग, दे वांटेड टू गिव इट देयर बेस्ट, द एंटायर टीम फ्रॉम द स्टाइलिस्ट टू द मेकअप टीम टू द कैमरामैन टू द डायरेक्टर टू ऑल ऑफ अस, वी जस्ट वांटेड, वी पुट इन आवर सोल इन इट, and when you do that it shows, the final product it shows, very difficult. I can't even begin, tell like, them what rule you put on the set. Wo to sirf masti thi. I told my director producer Namal, I'm like, you all have to be in sleeveless, you all have to be in ganjis, but किसी ने वो रूल फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट अमल टू एन एक्सटेंट, नेक्स्ट डे मैंने किया, मैंने मैंने देखा साड़ी पहने तो मैं बनियान में आया कि एवरीबॉडी वाज इन 5 लेयर्स, 5 लेयर मेरे सामने जब मैंने बैकलेस मतलब शिफॉन की साड़ी पहनी हुई वहां पे, बट या आई थिंक एज आई सेड कि वी ऑल वॉन्टेड टू गिव इट अ बेस्ट, इट वॉज़ वेरी ईजी टू से ओ मैं नहीं कर सकती हूँ, इट वॉज़ वेरी ईजी टू से दैट यू नो फाइन आई थिंक वी शुड लुक आउट फॉर समथिंग एल्स और वर्क समथिंग एल्स, इवन लास्ट मिनट देर वॉज अ चेंज ऑफ माइंड फ्रॉम हिम एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, बिकॉज दे वर वेरी वरिड बिकॉज द वेदर वॉज गेटिंग वेरी बैड, एक टाइम पे इतनी ठंडी थी लाइक 6 o'clock इवनिंग का शॉट था एंड -11 पहुँच गया था, एंड वो पूरा लाइक हर चेस्ट एंड सब कुछ स्पैज़म हो गया था इधर की, शी कुडंट मूव, तो मैंने बोला नहीं करते, लेट्स कैंसिल दिस, कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये वॉरियर एक अलग लेवल की है, एंड शी इज लाइक नहीं मैं करूँगी, तुम लोग मेरे को हल्के में मत लो, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो बोला मैं तो खुश था कि चलो अगर ये मान जाए तो मेरे को भी जल्दी घर जाने मिले। इनफैक्ट 2 दिन पहले अमल का मुझे फोन आया एंड ही इज टेलिंग मी कि आई थिंक डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी चेंज देयर माइंड,
वील गेट यू इन लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एन अटायर. आई सर मैं वो साड़ी पहन रही हूँ. आई मीन दे वर सो कंसिडरेट एंड दे वर रियली कंसर्न बिकॉज दे वर चेकिंग ऑन द वेदर ऑन डे टू डे बेसिस. हवा ऐसी चल रही थी कि वी थॉट कि यूरोपियन जैकेट्स और सब पहनाना चाहिए, बीमार पड़ जाए. पर ये तो शी वाज नाइट टुडे वी हैव कम एज टुडे वी हैव कम एज आवर रियल सेल्फ्स. एक चीज तो मैंने नोटिस की है, ये जो जो हो रहा है वो एक टाइप ऑफ म्यूजिक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता. मेरा स्टाइल वैसा नहीं है, यू नो. मैं अपने गाने में आई डोंट वांट टू अटैक द गर्ल एंड लड़की को विलेन नहीं बनाना चाहता. हो भी विलेन तो भी ठीक है, माफ़ कर दो, प्यार से गा के दे दो, ठीक है. बट ऐसा यानी गर्ल्स को अटैक करने वाला गाना मुझसे बनता नहीं है यार. मैं कोशिश भी करूँ तो शायद नहीं बना पाऊँ. मेरे को आई थिंक बीपरा के साथ बैठना पड़ेगा ऐसे गाने बनाने के लिए. बट इट डिपेंड्स कि वैसा गाना जिसको सूट होता है. मुझे एज अ म्यूजिशियन, एज अ पर्सनैलिटी, जो मैं वीडियो में हूँ, मैंने भी हार्ट ब्रेक गाने बने. आप देखो तू मेरा नहीं या प्यार एक तरफा, उसमें एक सटल तरीके से कि दिल टूटा है लड़के का बट इज नॉट ब्लेमिंग द गर्ल. तो मेरा रोमांस जिंदगी में भी मैं वैसा ही हूँ कि हो गया अब क्या करें. अब मैं उसका पूरा यानी हम लोग सब लोग उस होते हैं ना, जैसे आप वीडियोस में भी देखो जैसे अच्छा सिल्ला या ऐसे ऐसे गाने हैं, ये गाने चलते हैं ब्रो, सुपर हिट भी होते हैं. बट वो किसी का स्टाइल और उनकी चॉइस है. अब मेरे फैंस ने कहीं एक मैंने पढ़ा था, ये भी लिखा था कि इन अ टाइम ऑफ बड़ा पछताओगे बी समवंस मैं रहूँ या ना रहूँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा. तो जो गर्ल और फीमेल ऑडियंस है उनको भी कहीं एक पॉइंट पे लगता है कि हमने क्या बिगाड़ा है और हम पे इतने अटैकिंग गाने बनते हैं. सो मैं वो ऑडियंस से नहीं आता हूँ. मैं कम्प्लीटली लाइक अमर इमॉर्टल रोमांस में बिलीव करता हूँ. वैसा ही म्यूजिक बनाना है अनलेस कि कोई फिल्म सिचुएशन में वैसी बात आ जाए कि हाँ उसमें लड़की मर्डरर है या ऐसा कोई रोल है और उसने बहुत कुछ कर दिया अगेंस्ट द बॉय, तो वैसा गाना हमें बनाना पड़े तो बनाएंगे. ब्रो एक चीज़ है रोमांटिक म्यूजिक के साथ, मैं सबको कहना चाहता हूँ जो भी यंग म्यूजिक कंपोजर्स भी बनना चाहते हैं बनाना चाहते हैं ऐसा म्यूजिक, कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो. एंड रोमांटिक गानों में आप अगर शब्द अच्छे नहीं हो और मेलोडी अच्छी नहीं हो तो 10 साल बाद लोग नहीं याद रखेंगे. आज भी मैं देखता हूँ विदाउट बोस्टिंग या कोई ईगो की बात नहीं है कि मेरे 10 साल पुराने गाने ऑलमोस्ट जो फ्रॉम द टाइम कि बोल दो ना ज़रा हो गया 8 साल हो गए ऐसे गानों को रोके ना रोके, वो क्यों अब तक बेंचमार्क है, वो क्यों मेरे लिए भी एक यू नो मुझे आज भी लोग उन गानों का रेफरेंसेस क्यों देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें लिरिकल वैल्यू इतनी अच्छी है और म्यूज़िक इतना सिंपल है कि वो 20 साल बाद भी आप मेहरो या ना रहो बोल दो ना ज़रा ये सब गाने कौन तुझे भी प्यार करे सुनोगे आपको पसंद आएगा. क्योंकि इंडिया में या जितने भी इंडियंस हैं ना वर्ल्ड वाइड उन लोग सब दिल वाले लोग हैं. आप कितना भी डांस म्यूजिक बना लो, जैसे आई हैव ऑल्सो मेड कर गई चुल सूरज डूबा ब्ला 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 बहुत गाने हफ्ते में 4 शनिवार, बट कहीं ना कहीं रोमांटिक म्यूजिक इज़ द सोल ऑफ आर कंट्री. आज इंडिया में अगर लोग चाहते हैं वो गाने जो सुनते मेरे बोलते ऐसा रोमांस हमें नहीं मिलता है, पर वही मैं देना चाहता हूँ दुनिया को कि जो प्यार आज नहीं है, आज की जनरेशन को जैसे प्यार करना नहीं आता, मैं वो प्यार उनको देना चाहता हूँ ताकि लिसनर्स म्यूज़िक को सुने और होपफुली मैं इंस्पायर करूँ 10-20 हज़ार लड़कों को कि प्यार ऐसे कर लो यार, नो प्रॉब्लम. आमना जा जाती है सुपर हिट. नो सो आई डू प्रिपेयर फॉर माय कैरेक्टर. मैं बहुत आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द आई ट्राई टू क्रिएट that character and I try to start living that character. Yes. I mean that is what I did in Damage also, that is what I did in Aadha Ishq also. I try to it's very important ki aap apne director ke saath baitho because unka ek vision hota hai, aapke writer ka ek vision hota hai. They've lived that character much more than what you start living that character. So to understand the small nuances, to understand the mannerisms that you're going to be performing, that really helps a lot. And I do a lot of workshops, I believe in that. Because I believe in order to learn a new character, to be able to do something different on screen, you have to first unlearn jo aapne seekha hai itne saalon se, jo aapki muscle memory mein hai. So yeah, I do my entire homework for a character, not for music videos and everything. It is all, I am actually blessed with co-stars like Amal, who just removed the chemistry. मुझे तो करना ही पड़ा था, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नो बट यू आर आई वुड लाइक टू से हियर कि बहुत ही हार्डवर्क है, बहुत ही टैलेंटेड परफॉर्मर है.
तो जब वैसा होता तो ही ऐसा वीडियो में इम्पैक्ट मैं भी कर पाया हूँ। अगर मेरे कोस्टार ही ऐसे नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता ऐसा रोमांटिक वीडियो। आपसे आप भी गाओगे? मुझसे तो नहीं, इनके सामने तो मैं गा ही नहीं सकती, बिकॉज ही इज सच अ गुड सिंगर। नो, ही विल सिंग फॉर मी। अच्छा, यू डू लिप सिंग? मैं नहीं करूंगी। आई विल सिंग, यू डू लिप सिंग? नो वे। एक्टर्स करते हैं लिप सिंग, आप करो। मैं पीछे से गाऊं? चलो ठीक है, कम ऑन, सिंग द नाइस वन। यूं तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही, फिर भी सोचता हूँ मैं तुम्हें बता दूँ बात ये जो तुमसे ना कहीं, कुछ इस तरह से तुमको चाहेंगे हम, तुम ही से लड़ेंगे तुमको मनाएंगे हम, तुम्हें अपने दिल की धड़कन बनाएंगे हम, मोहब्बत तो करके देखो निभाएंगे हम। थैंक यू सो मच।